हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाही किचन। मैं हूँ स्मृति और आज मैं गर्मियों में किचन में घुसने से जो प्रॉब्लम होती है ना, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। गर्मियाँ हैं तो हमें किचन में घुसने का मन नहीं करता है, तो ये सब्जी बिल्कुल 5 से 7 मिनट में हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बहुत ही झटपट बनने वाली सब्जी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही झटपट बनकर बिना प्याज लहसुन के बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। सिर्फ 4 चम्मच बेसन से पूरे परिवार के लिए आप ये सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 4 से 5 लोगों के लिए 4 चम्मच बेसन इनफ है। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेसन का घोल बनाना है। तो बेसन का घोल बनाने के लिए मैंने लिया है एक बोल। बोल में मैंने डालना है 4 चम्मच बेसन। आप अपनी क्वांटिटी, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने ये 4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो 4 चम्मच बेसन ले रही हूँ। और ये नॉर्मल जो हम चावल वगैरह खाते हैं ना, वो वाले चम्मच से मैंने 4 चम्मच इसमें बेसन लिया है। साथ में तो हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने नमक 1/4 चम्मच गर्म मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और साथ में लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इन सभी को डालकर अच्छे से पहले मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाया, फिर मैंने पानी के साथ इसका एक घोल तैयार कर लिया है। घोल ऐसा होना चाहिए जैसे हम पकोड़े वगैरह के लिए रखते हैं ना, वैसा घोल होना चाहिए। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह का ही घोल हमको चाहिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह का घोल चाहिए। अगर पतला घोल होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए घोल जो है इस तरह का ही हल्का सा गाढ़ा ही चाहिए। अब ये घोल बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सब चीज़ें पहले ही तैयार कर लेनी है, बस वहाँ 5 से 7 मिनट में हमारा कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने 4 चम्मच दही ले लिया है। दही में मैंने मसाले डाले हैं, जितने भी मसाले हमें डालने हैं सब इसी में हम ऐड कर देंगे, जिसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है। और इन सभी को मिला के हमें इसके अच्छे से दही को घोल लेना है। दही में आप सारे मसाले डालें जितने आप सब्जी में डालते हैं, अपने हिसाब से आप सारे मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक, जो भी आप डाल रहे हैं सब उसी के तहत डाल के इसको अच्छा सा घोल बना लीजिए। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल आप कोई भी जिससे आप कंफर्टेबल हो आप वो कुकिंग ऑयल ले लें। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। और अब हमारा कुकिंग टाइम स्टार्ट हो गया। इस कुकिंग टाइम में सिर्फ हमें 7 मिनट का टाइम लगना है मैक्सिमम। तो चलिए जब ये ऑयल जो है ये गर्म हो गया है, अब इसमें हम फ़ोरन डालेंगे, जो कि ड्राई खड़े मसाले हैं, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 बेलीफ और 1 सूखी लाल मिर्च और इन सभी को हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हींग भी है और इन सभी चीज़ों को हमने डाल देना है इसके साथ ही। ऑयल को अच्छा गर्म होने दें और इसको डाल दें। ये पूरी सब्जी जो बनेगी ना वो हमारी मीडियम फ्लेम पे बनेगी, फ्लेम को कभी भी लो नहीं करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमारी पूरी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी हल्का सा सॉटे हो गया, सिर्फ 10 सेकंड में ये सॉटे हो जाएगा अच्छा सा। तो हमने जो दही का मसाला घोल के तैयार किया ना उसे लेंगे। उससे पहले मैंने इसमें 5 से 7 अदरक की लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च को कूट लिया था, उसको कूटा हुआ 1/2 चम्मच हमने ये लिया है। इसके साथ भी 10 सेकंड और हम इसे इसी तरह से भून लेंगे। बस 10 सेकंड भुनना है। देखिए भुन गया है। अब ये भुनने के बाद जो हमारा वो हमने दही का पेस्ट बना के रखा था ना सारे मसालों के साथ, आप इसमें और मसाले डालना चाहते हैं तो और मसाले जो आप सब्जी में खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और इस स्टेज पर अगर आप प्याज टमाटर का पेस्ट भी डालते हैं तो इसी स्टेज पर डाल के उसे थोड़ी देर भून लें और फिर वो दही का मसाला ऐड करें। बट मैं प्याज लहसुन नहीं डाल, प्याज टमाटर नहीं डाल रही, तो मैं बिना प्याज टमाटर के इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी जो हमारा दही का मसाला है ना वो। तो देखिए भुन गया है। अब हम इसमें दही का मसाला जो हमने तैयार किया था ये पूरा मसाला डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको एक बार और चला लेंगे और ये मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, फ्लेम को लो करेंगे तो हमारी दही जो होगी वो फट जाएगी, इसलिए फ्लेम को मीडियम टू हाई रखकर ही हमें इस मसाले को लगा थोड़ा सा पानी डालकर हमने कटोरी में अच्छे से घोल के इसमें डाल दिया है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। और अच्छे से इसे लगातार चलाएंगे, चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो दही जो है वो फटाफट फट जाती है, इसलिए हमें सारे मसाले डाल के इसे अच्छे से पकाना है। बस 1 से 1.5 मिनट में जो हमारा दही का ये मसाला है ये अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि फ्लेम हमने जो रखा है वो मीडियम रखा है। तो बहुत जल्दी से पानी इसमें से ऑब्जर्व कर लेगा मसाला और मसाला हमारा भुनकर तैयार हो जाएगा। देखिए 1 से 1.5 मिनट में हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। लगातार चलाते रहिए क्योंकि फ्लेम हमने मीडियम कर रखा है, तो चलाना अगर छोड़ेंगे तो बस सब्जी आपका जलने का डर रहेगा, इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और लगातार चलाते हुए गैस के फ्लेम को मीडियम रख के हमें फटाफट से इसकी भुनाई कर देनी है।
देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और हमारा ऑयल भी बहुत सारा रिलीज हो गया है। तो बस इस स्टेज पे 2 मिनट लगे हैं हमें मैक्सिमम। अब इस स्टेज पे जितना भी आपको पानी रखना है उतना पानी रखिए। पानी यहाँ पे थोड़ा सा भी मैं ज़्यादा रख रही हूँ, तो मैं 1.5 गिलास पानी का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें पानी डालकर इसको फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। 1.5 गिलास पानी डालकर मैं इसे हाई फ्लेम पर, जब तक पानी में अच्छे से बॉयल नहीं आता ना, उतनी देर इसे बॉयल करना है। देखिए पानी में अच्छा बॉयल आ गया है, तो हमने जो ये बेसन घोल के रखा था ना, इसे अगेन एक बार अच्छे से चला लेंगे। पानी में अच्छा बॉयल आ रहा है, देखिए जो हमारी ग्रेवी है उसमें बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है। अब हम लेंगे एक छन्नी, आपके पास जो भी हो, मेरे पास इस तरह का है तो मैं ये ले रही हूँ। अब इसमें ना मैं इसे अच्छे से क्लीन करूँगी पहले, उसके बाद हमने थोड़ा सा बेसन हाथ में लेना है या स्पून से, जैसे भी आप, जब ये अच्छा उबल रहा हो। गैस के फ्लेम को हाई ही रखना है, क्योंकि लो रखेंगे ना तो जब हम इसमें बेसन का घोल डालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, इसलिए फ्लेम को हाई ही रखना है। और थोड़ा सा ऊपर से देखिए इस तरह से 1 चम्मच बेसन लेना है और इस तरह से हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको घुमाएंगे। इसमें से जो बूंदी के झाड़े हैं ना वो नीचे गिर रहे हैं, देखिए इस तरह से, बस इस तरह से आराम आराम से। आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है हाथ को, क्योंकि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है। आप अगर चाहें तो हल्का सा मीडियम कर ले, पर फ्लेम को लो ना करें, लो करेंगे ना तो ये मेल्ट हो जाएगी। देखिए अपने आप जाके ना ये अपने आप शेप में आ जा रही है और अपने आप ये अलग अलग हो जा रही है, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर आएगी। बस देखिए इस तरह से अभी तक कुल ना हमें 3 मिनट का टाइम हुआ है, 3 मिनट में हमारा ये पूरा, और 1 मिनट लगेगा आपको इस तरह से इसको बनाने में। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी से बना लेते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे हाथों की हेल्प से, और ऐसे ऐसे अगर आप चाहें तो इसे स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं हाथ से करूँ तो ये जल्दी हो जाता है, फटाफट से हमारा हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा बस हिलाएंगे तो ये लंबे लंबे ना इस तरह से अच्छे से शेप जैसे ये बनकर हमारी बूंदी बहुत अच्छी परफेक्ट बिल्कुल अच्छी वाली बनकर आ जाएगी। इस तरह से हमने सभी को बना लिया है। जब ये सारा बन गया है तो 1 मिनट बाद हमें अच्छे से इसको स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए एक भी नहीं चिपका है, सब अलग अलग हो गए हैं। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही कुक कर लीजिए। आपको ग्रेवी अगर ज़्यादा रखनी है तो पतला रखिए, अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हमारा ये बनकर तैयार है। 2 मिनट उबालेंगे ना आप पानी के साथ इसको, इसी के साथ ग्रेवी के साथ, तो 2 मिनट में ये अच्छे से पककर, ये बेसन की जो हमने बूंदी डाली है इसके अंदर, वो पककर बिल्कुल तैयार हो जाएगी और हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं, सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। कुछ अलग है तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसी सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं इसे हल्का सा ग्रेवी वाला ही रख रही हूँ। अगर आप रोटी, पराठे, चावल, अपने अकॉर्डिंग इस ग्रेवी को एडजस्ट करें, जिसके साथ भी आप खाएं, वे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर हमारी आई है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। देखिए बहुत ही टेस्टी बनकर आई है, बहुत ज़्यादा यमी, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गर्मियों की स्पेशल सब्जी है क्योंकि ये बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है और बिना किसी मेहनत के हमारी ये बिल्कुल टेस्टी वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।